हाय फ्रेंड। तो जैसा कि आईसीआर का आप लोग ने रिजल्ट देख लिया है और उसमें देखा कि सिर्फ परसेंटाइल आया हुआ है और आप लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं कि हम लोग का रैंक क्या हो सकता है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक जो रैंक प्रिडिक्ट क्या हो सकता है, रैंक प्रिडिक्शन, उसके ऊपर वीडियो बनाया, आप लोग ने उसको कैलकुलेट भी किया और कमेंट करके बताया भी। तो देखिए, एक्चुअली में जो आप लोग परेशान हो रहे हैं कि ये रैंक जो है एनटीए रिलीज कर रहेगा, एनटीए ही खुद, ये एनटीए की साइट पे हमको देखने को मिलेगा ये रैंक, या कहीं दूसरे साइट पे जाके देखना होगा। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप लोग को रैंक कार्ड कहाँ पे मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग बता चुके हैं, माई सेल्फ अभिषेक कुमार, लास्ट ईयर मुझे आईसीआर के थ्रू एक कॉलेज अलॉट हुआ था और अब हम आप लोग को पूरा गाइड करेंगे जब तक कि आप लोग कॉलेज न पहुंच जाए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉलेज तक पहुँचते, जब तक आप पहुँचिएगा नहीं तब तक जो भी स्टेप होगा, जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि देखिए, आप लोग को अगर ये रैंक देखना है तो एनटीए का सिर्फ इतना ही इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो आप लोग को रिजल्ट दे। जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने मार्क बताया, मार्क्स रिलीज किया था, और इस साल उन्होंने परसेंटाइल बेसिस पे रिजल्ट दिया है। तो इस साल उन्होंने परसेंटाइल रिलीज कर दिया। अब आप लोग को जो है ये जो भी काम होगा वो आईसीआर खुद खुद से करेगी। आईसीआर की साइट पे आप लोग को विजिट करना होगा। वो साइट कौन सा है? तो वो ICREexam.net है। ये साइट मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर देखिए, वहाँ पे हम ये दे देंगे, इसका जो लिंक होगा वो वहाँ पे हम दे देते हैं। आप लोग उस साइट से वहाँ पे पहुँच सकते हैं, या आप ये क्रोम पे जाके सर्च करके भी जा सकते हैं। तो आप लोग वहाँ पे रेगुलरली विजिट कीजिए, क्योंकि अब जो काउंसलिंग होगा और जो भी रैंक कार्ड आएगा वो वहीं से आप लोग को देखने को मिलेगा, और उसी से पता चलेगा कि काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या शेड्यूल होगा, वहीं से आप लोग को पता चलेगा। वैसे हम भी इन्फॉर्म करते रहेंगे, जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आया तो इन्फॉर्म कर देंगे। बस आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, ठीक है? तो देखिए, अब ये तो मेन प्रॉब्लम ये था कि कहाँ से देखना है, तो आप लोग को पता चल गया। नेक्स्ट बात इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं कि आप लोग को काउंसलिंग में कैसे हेल्प मिलेगा। काउंसलिंग बहुत किसी को पता नहीं है कि एक्चुअली में ऐसे काउंसलिंग होता कैसे है, कितने स्टेप में होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस कर लें। तो इसमें हम काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे ही आईसीआर जो है रैंक कार्ड रिलीज करेगा, उसके बाद उसी साइट पे ICREexam.net पे आप लोग को ये काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और चॉइस फिलिंग करना है। तो जैसा कि लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम हुआ था कि चॉइस फिलिंग में हर बहुत किसी को प्रॉब्लम होता है, तो जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आता है हम आप लोग को गाइड करेंगे चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्योंकि सबसे जरूरी होता है चॉइस फिलिंग। क्योंकि आप इसमें टोटल 3 राउंड होगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड। तो जो फर्स्ट आप जैसे चॉइस फिलिंग कीजिएगा रजिस्ट्रेशन करने के टाइम, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होगा। इसमें प्रॉब्लम ये भी आ सकता है कि किसी कम नंबर वाले स्टूडेंट को अच्छा कॉलेज मिल जाए और अच्छे नंबर वाले स्टूडेंट को लो रैंकिंग कॉलेज मिल जाए। तो आप लोग को पूरा फुल फोकस होके, पूरा पता करके आप लोग को ये चॉइस फिलिंग करना। अगर कहीं और से पता चल रहा है तो आप लोग बिल्कुल कीजिए, नहीं तो हम आप लोग को गाइड करेंगे कि क्या कौन सा रैंकिंग कैसा है, आप लोग को हम सजेस्ट करेंगे। अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग इससे बन जाइए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जाएगा फिर ही आपको पता चलेगा। तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। आपको जो भी कॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करना है। जैसे फर्स्ट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना चॉइस फिलिंग कीजिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होगा। जैसे फर्स्ट आप जो प्रायोरिटी डाले हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर उसके अंडर आपका रैंक नहीं आ रहा है तो उसी नीचे वाला, फिर नीचे वाला, और उसके बाद फर्स्ट राउंड में आप ये सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हुआ तो आपको कुछ कॉलेज मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो जैसे आप चाह रहे हैं जो कॉलेज आपको मिला, जैसे आपने 10 रैंक, 10 रैंक के कॉलेज, 10 नंबर वाले कॉलेज आपको अलॉट हुआ, आपके ऊपर 9 कॉलेज और बाकी हैं, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन होगा आपको अपग्रेड करने का, आपको हम डिटेल में भी बताएंगे बाद में, आप लोग तभी ये जान लीजिए एक्चुअली होता कैसे है काउंसलिंग। तो आप जो है उसके बाद अपग्रेड कीजिएगा, फिर सेकेंड राउंड हो जाएगा। सेकेंड राउंड में आपका फिर से नहीं हुआ तो फिर से अपग्रेड कीजिए थर्ड राउंड। लेकिन थर्ड राउंड के बाद अगर आपको थर्ड राउंड में जो भी कॉलेज अलॉट हो रहा है वो आपको लेना ही पड़ेगा, ये फाइनल राउंड होता है। तो इसमें आपको वो अलॉट हो गया, जो भी उस कॉलेज में आपको जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड कॉलेज मिल गया अगर आपको ज्वाइनिंग चाहते हैं तो उसके इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर, क्योंकि लास्ट ईयर जो है ऑनलाइन ही सब कुछ आपको पेमेंट ये करना था, उसमें ज्वाइनिंग करना था, सब डॉक्यूमेंट सब अपलोड करना था, लेकिन
लास्ट ईयर के लास्ट ईयर वो अलग प्रोसीजर था क्योंकि वो कॉलेज विजिट करना था, तो इस साल भी शायद ऑनलाइन हो सकता है, तो ऑनलाइन ही आप लोग को सबमिट करना होगा, फिर कॉलेज विजिट करना है, बाद की बात है। तो उसके बाद सेकेंड राउंड हो जाएगा, सेकेंड राउंड का प्रोसीजर सेम रहेगा, फिर थर्ड राउंड हो जाएगा। इस सब होने के बाद आप लोग को जो है ये सब हो गया, फिर उसके बाद देखा जाएगा लास्ट में जो सबको सीट अलॉट हो गया, जो भी जिसको एडमिशन लेना था ले लिया, उसके बाद बचेगा एक फाइनल जो होता है एक मॉप अप राउंड होता है, वो तब होता है, वो तो या तो ICR नहीं कंडक्ट करवाता है, वो कॉलेज लेवल पे होता है। अगर सीट बच गया किसी कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फिर वो अपना अपना जो है काउंसलिंग करवाता है और उसके बेसिस पे सीट अलॉट करता है, तो वो लास्ट का राउंड हो जाएगा, वो इंडिविजुअली अपना काउंसलिंग हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो या इससे रिलेटेड किससे जो टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं कमेंट में आप हमें बताएं, और आप हमसे जुड़े रहिए, और ये टेलीग्राम का लिंक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ रहा है डायरेक्ट इस टेलीग्राम पे जाता है, आप लोग को जल्दी से जल्दी ये आप लोग के पास पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।